बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, थोड़ी माजरत आवाज़ की, लेकिन आपको देनी थी ये ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी। तो रेस्टोरेंट से हज़ार दर्जा बेहतर, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम वेजिटेबल्स के साथ हमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। तो हमने अपने घर में तैयार करने हैं ये ज़बरदस्त से देसी तरीके से, जो हमारे टेस्ट बर्स के हिसाब से ये ज़बरदस्त से चिकन फ्राइड राइस बहुत सारी सब्जियों वाले आपने तैयार करने हैं। आधा किलो सेला चावल है, 3 घंटा भिगोए हुए, 2 से 3 घंटा इनफ होते हैं, अच्छे से अच्छे गुड क्वालिटी सेला राइस आपने लेने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको भिगोकर और इसको उबालने के लिए रख देना है, क्योंकि चावल के हिसाब से चावल का नमक इसमें जाएगा और हम इसको फुल डन करके इसको रख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखें ये पूरा ब्रेस्ट का बड़ा सा पीस है, तकरीबन 1/2 kg का ये बड़ा पीस है। तो देखें, मैं इसको आपके सामने जूलियन शेप में काटूंगी। आप इसे हड्डी वाली चिकन से भी बना सकते हैं। मैं अक्सर इसको हड्डी वाली चिकन के साथ फ्राइड राइस घर में बना रही होती हूं, बट अगर पार्टीज़ वगैरह के लिए, दावत वगैरह के लिए आप बना रहे हैं, तो आप इस तरह का ब्रेस्ट पीस के इस तरीके से जूलियन देखें कटिंग कर लें। आप फिंगर कटिंग आपने इसकी कर लेनी है, ये 1/2 inch के आपने देखें इस तरीके से। यहाँ पर वेजिटेबल्स आपने अच्छे से देख लेनी है। 1 पाव मैंने लिए है गाजर, मीठा हो ज़्यादा इसमें मिठास होती है तो हम इसको कम ही लेंगे। देखें 1/2 kg मैंने लिए हैं शिमला मिर्च और 1/2 से 1.5 पाव ही तकरीबन ये हरी प्याज है। तो ये दोनों का अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो मैं ये डालती हूँ ज़्यादा मिकदार में। और देखें, 1 bunch मैंने लिया है लहसुन का, 1 मुट्ठी मैंने ली है मलिर वाली तेज़ वाली मिर्चें ली हैं, और उतनी ही जितना बड़ा लहसुन का पीस है इतना ही बड़ा मैंने देखें 2 से 3 inch का अदरक का पीस लिया है। इसको हम हवन दस्ते में क्रश करेंगे या इसको फाइन चॉप कर लेंगे। पीसना आपने हरगिज़ नहीं है, इसको फाइन चॉप करना है या फिर हवन दस्ते में कूट लेना है। और यहाँ पर 4 अंडे मैंने लिए हैं, इसमें मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर डालूंगी और थोड़ी काली मिर्च नमक के साथ मैं इसको फेंट लूँगी। यहाँ पर 1/2 tablespoon मैंने लिए हैं काली मिर्चें और कुछ हम इसमें 1/2 tablespoon तक चिकन पाउडर डालेंगे। यहाँ पर सब्जियों की सिलेक्शन देखें आपने क्या रेशो रखना है। 1 पाव है इस मैंने ली हैं गाजरें और मैं इनको कद्दूकश करूँगी। तो गाजर और जो बंद गोभी है, 1/2 पाव बंद गोभी है और 1 पाव गाजर है, इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। देखें ये 1 पाव मैंने गाजर कद्दूकश कर ली है और 1/2 पाव बंद गोभी को भी मैं कद्दूकश कर लूँगी। तो ये देखें 1/2 पाव छोटा सा फूल था बिल्कुल बंद गोभी का। तो ये दोनों सब्जियां हमने कम डालनी हैं और शिमला मिर्च और हरी प्याज, इनका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने देखें 1/2 किलो मैंने शिमला मिर्च ली है और तकरीबन 1.5 पाव के करीब है या 1/2 किलो के करीब है ये हरी प्याज थी। तो 1/2 inch की हमने इस तरीके से देखें चारों सब्जियाँ हमारी ज़बरदस्त ही तैयार हैं। ये तकरीबन 1.25 किलो सब्जी का रेशो है, 1/2 किलो चावल 1/2 किलो चिकन के लिए। यहाँ पर देखें, मैंने आपको अदरक लहसुन और हरी मिर्च का बताया था, उससे पीसने से पहले हमारा हवन दस्ता गीला ना हो जाए, इसलिए हम सबसे पहले अपनी काली मिर्चों को कूट लेंगे, जो हम डालेंगे लास्ट में अपने चावलों में ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें, हाथ की ताज़ा कूटी हुई हमने थोड़ी गदरी गदरी ही रखनी है, काली मिर्चों को कूट लिया है और हमारे जो गीले इन्ग्रीडियंट हैं हमारे अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, देखें हरी मिर्चें और काली मिर्ची हम आपने टोटल अंदाज़ा कर लेना है सब्जियों और चावल के हिसाब से कि आप कितनी पसंद करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक भर की मुट्ठी हरी मिर्चों के लिए थी और ये काली मिर्चें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ली थी। यहाँ पर देखें 4 अंडों में मैं थोड़ी सी काली मिर्चें नमक में डालकर, और ये देखें रेड फूड ऑरेंज फूड कलर है ये जर्दे का रंग, इसको मैं डालकर अच्छी तरह से हम स्क्रैम्बल्ड एग्स तैयार करेंगे अपने। और यहाँ पर देखें 2 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून नमक मैंने डाल दिया था और वही हमारे 2.5 से 3 घंटा भिगे हुए चावल हमने देखें, चावलों को हम फुल टन उबाल लेंगे। यहाँ पर देखें प्रोसेस है फ्राइंग का, मैं अपने फ्राइड राइस को जो वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई करती हूँ और इस तरीके से देखें उसी जो हमारा ऑयल था उसी में मैंने पहले गाजरों को फ्राई किया, तकरीबन 1 मिनट तक आपने कर लेना है। उसके बाद गाजरों के बाद मैंने ये जो बंद गोभी थी हमारी जिसको हमने कद्दूकश किया था उसको हमने फ्राई किया। इस तरीके से आपने तैयार कर लेना है, छलनी में से तमाम चीज़ों को गुजार लेना है और फिर वही ऑयल हमारा, उसी ऑयल को हम दोबारा से अपनी कढ़ाई में डाल के देखें इस तरीके से मैंने चारों सब्जी हम अपनी फ्राई कर ली है। तो मैंने तकरीबन इसमें 3 हिस्सा मैंने 1 पाव इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया था और 1/2 मैंने इसमें घी यूज़ किया था। तो बड़ा अच्छा फ्लेवरफुल सा हमारा ये ऑयल था और ये ऑयल आप पूरी जितनी रेसिपी में हमें नीड होगी हम बाद में भी इसी ऑयल को यूज़ करेंगे। तो तकरीबन देखें 1/2 लीटर ये ऑयल में मेरी चारों सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इस तरीके से छलनी से आपने गुजार लेनी है पूरी और ये देखें कितना फ्लेवरफुल हमारा ऑयल है।
इसी फ्लेवरफुल ऑयल में हमें हमारे जो बाकी के चावलों में हमें नीड होगी, तो हम इसी ऑयल में से अपने चावलों में इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कोई भी चीज़ आया नहीं करनी है, तो जो छलनी में ऑयल था वो मैंने चावलों में इसको थोड़ा सा चावल को इसमें लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए उसी फ्लेवरफुल ऑयल में से थोड़ा सा मैंने 2 से 3 टेबल स्पून में हमने अपने जो हमने कलर डालकर स्क्रैम्बल एग्स हमने तैयार कर लेने हैं, ये देखें 4 अंडे हमारे, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और जो आपके सामने ऑरेंज फूड कलर डाला था। तो यहाँ पर तमाम सब्जियाँ हो चुकी हैं फ्राई। उसी फ्लेवरफुल ऑयल में से हमने थोड़ा सा फिर अपना चिकन के लिए हमने 2 से 3 टेबल स्पून ही लिया है, और हम अपनी जो जूलियन हमारी जो फिंगर कटिंग में हमारी जो चिकन है इसको हम सोटे करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने चिकन को सोटे किया है। और अब बारी है अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट की, यहाँ पर हम ये अपना पेस्ट डालेंगे। देखें बहुत कम ऑयल हमने यूज़ करना है क्योंकि हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो फ्राइड हैं, तो तेल हमने जो है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है, अपने अंदाजे से आपने यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करना है। यहाँ पर देखें मुझे नीट लग रही है, तो मैंने उसी फ्लेवरफुल ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल अदरक लहसुन को इसमें मैंने भून लिया है। तो हल्के आंच पर आपने ये काम करना है, हमेशा आपसे मैं यही कहती हूँ कि अदरक लहसुन को आपने अच्छा डालना है और हल्की आंच पर फ्राई करना है। और यहाँ पर इन थोड़ा सा फ्राई अच्छा सा हो गया है, तब मैंने अपनी चिकन के साथ भी इसको मिक्स कर लिया है। पहले मैंने चिकन को सोटे कर लिया था ऑयल में, फिर अदरक लहसुन को किया, अब इनको अच्छे से मिक्स करके हम इतना कुक करेंगे कि ये गल जाए। यहाँ पर देखें कंडीशन आपको दिखा दूँ, तकरीबन ये 10 से 15 मिनट के बाद की कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी चिकन को अच्छे से हमने गला लेना है, तो ये देखें मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। 15 मिनट में हमारी अच्छी से चिकन हमारी गल चुकी है, 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे, और अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पर एक जो हमारा स्टेप है कंप्लीट हो चुका है। देखिए नमक हमने अभी किसी में नहीं डाला है, ना सब्जियों में और ना ही चिकन में, तो चावलों में हमने चावलों का नमक डाल के उसको फुल डन उबाल लिया है। और यहाँ पर अब हम जो नमक हम डालेंगे वो अपने अंदाजे से डालना है, जितना इन सब्जियों के हिसाब से। देखें कितनी ज़बरदस्त सी फ्लेवरफुल फ्राई हुई हुई सब्जियां हैं, बहुत अच्छे वेजिटेबल राइस तैयार होते हैं अगर आप उनको इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और मैं जो हूँ अपने रेसिपीज़ में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल मुझे लगता है, तो मैं उसमें मैंने फ्राई किया है। यहाँ पर देखें अंदाजे से हमने नमक डाल दिया है अपने चिकन और सब्जियों के हिसाब से। तो अंडे भी मैंने आपके सामने इसमें ऐड कर लिए हैं। तो ये हमारे दोनों प्रोसेस हो चुके हैं, चावल हमारे गल उबाल लिया है, वो भी हमारे फुल डन हमने उनको कर लिया है। और यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप भी हो चुका है, अंडे और सब्जियों की फ्राई। यहाँ पर देखें नमक मैंने ऐड कर लिया था, काली मिर्चें हम आधी मैंने डाल दी हैं, जो 1.5 टेबल स्पून मैंने काली मिर्चें ली थी वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनके अंदर। और फिर जो चावल थे हमारे वो भी हम डाल देंगे। सोया सॉस मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा कलर डार्क की तरफ चला जाता है, मैं काली मिर्चें डालती हूँ अच्छी क्वांटिटी में। और ये देखें सिर्फ सिरका और चिली सॉस मैं इसमें डालूंगी, तो 2 टेबल स्पून सिरका है और 1.5 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस है, 0.5 टेबल स्पून भर के आपने डालना है चिकन पाउडर। तो ये मैं आपको बता दूँ नमक आपने कम ही रखना है सब्जियों में भी और चावलों में भी, क्योंकि चिकन पाउडर को आपने जहन में रखते हुए नमक को ऐड करना है। तो ये देखें कितनी सारी सब्जियों वाले, तकरीबन 1.25 किलो सब्जियां इसमें गई हैं, और 4 अंडे हैं, और 0.5 किलो चावल और 0.5 किलो चिकन की। ये अमेजिंग सी चिकन फ्राइड की रेसिपीज़ आपने ट्राई ज़रूर करनी है। ये देखें कितना फ्लेवरफुल ये तैयार होते हैं ये माशाल्लाह से, कि मेरी ये रेसिपी धूम मचा देती है घर में। तो यहाँ पर 15 मिनट का मैंने दम दिया है, 5 मिनट मैंने तेज़ आंच पर चूल्हे को रख दिया था, और जब इसमें स्टीम भर गई थी तो फिर मैंने 15 मिनट का दम दे दिया था। तो तमाम हमारे वेजिटेबल्स चिकन और जितने भी हमने इसमें अरोमा वगैरह जो हमने डाले हैं, तमाम स्पाइसेस वगैरह, तो वो तमाम का फ्लेवर जो है वो देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार होता है। आप रेस्टोरेंट में आपको कभी भी इस तरह के राइस नहीं मिल सकते फ्राइड राइस, जो आप घर में तैयार कर सकते हैं आसानी से, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ज़्यादा सब्जियों के साथ। दुआ में याद रखिएगा, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।